अर्जुन की जो विषाद युक्त स्थिति थी, तो भगवान देखते हैं कि अपनों को देख करके जो अर्जुन इतना वीर धनुर्धारी अपने कैसे हृदय को हिला के रख देते हैं, अपने दुख ज्यादा देते हैं सुख कम देते हैं। दुनिया में आपको कोई दुख देने वाला नहीं है, दुख मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। आपको ये हाथ अगर थप्पड़ मारेगा तो ये पास ज्यादा है, बाहर दूर का आदमी हमें नहीं मार सकता। तो जितना दुख हमें मिलता है अपनों से मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी देख रहे हैं या हम लोग भी देखते हैं गीता का जब अध्ययन करते हैं, तो अर्जुन जो धनुर्धारी था, लेकिन जैसे ही वो कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, और बीच में जैसे ही भगवान रथ खड़ा करते हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि उसका छत्र तो छरित हो गया, जो गांडीव लेके चला था बड़े बाहुबल के साथ में, और जिसने पूरा जीवन लगा दिया धनुष विद्या सीखने में, धनुर्धारी बनने में, यहां तक कि उसने द्रोणाचार्य से सीखा और एकलव्य का अंगूठा तक ले लिया कि ये ना चला पाए, मुझसे ज्यादा दक्ष और प्रमेय कोई हो ना पाए, जिसके लिए तूने अंगूठा तक ले लिया और आज अपनों के आगे हार गया। इसका मतलब मनुष्य अपनों से ही हारता, दुनिया में किसी से नहीं हारता। ऐसा क्या था कि उसका छत्रित छरित हो गया, खून पानी बन गया, हाथ कपकपायमान हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, हलक में घूट निकल रहा है, मुंह सूख रहा है, ये सब जो स्थितियां हुई वो किसको देख करके हुई? अपनों को देख करके। और मजे की बात देखिए कि सामने कृष्ण बैठे हुए हैं, कृष्ण को नहीं देख के अपनों को देख रहा है छलांग मार के, भाई वो तो सारथी है। अब यहाँ बीच में कृष्ण बैठे हैं और वो देख रहा है उनको, और यही हम लोगों की विडंबना है कि हम लोग भी कृष्ण को जो इतने निकटस्थ है, नाती दूरे, जो इतने पास है, हम उनको नहीं देख पाते और हम दूसरों को देखते हैं कि कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, कौन हमारा है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है। अपनों को ही हम देखने में पूरा जीवन बिता देते हैं, और वही अर्जुन ने किया कि कृष्ण जो सारथी बने बैठे हैं उनको नहीं देख रहा और अपनों को देख करके मोह ग्रसित हो गया, और इतना अधिक मोह ग्रसित हो गया कि वो फिर युद्ध करने की उसमें क्षमता ही समाप्त हो गई। जो उन्होंने कहा कि सर्व धर्माने परित्यज्य, अर्जुन को संदेश दिया कि आखिरी में तू ये सब जो धर्म की बातें कर रहा है ना, और धर्म के जो आवरण ओढ़ रहा है, बहुत से लोगों से आप कहो ना गीता पढ़ने आना, गीता घर में रखी हम भी पढ़ लेते हैं, रोज ही पढ़ते दो श्लोक, कोई व्यक्ति मुझे अज्ञानी नहीं मिला। हर आदमी बड़ा ज्ञानी है और बड़े बड़े ज्ञान की बात करता है, अरे निर्गुण निराकार है वो कहाँ, बंसी वाले कहाँ, वो टेढ़ी टांग करे वाले वो कहाँ, भगवान भगवान तो वो वहां कणकण में विराजमान है, और देखा कण में कभी देखा तूने, बड़ी बड़ी बातें आदमी करता है। मैं तो यही देखती हूँ कोई अज्ञानी है ही नहीं, सब लोग बहुत बड़े ज्ञानी है। ऐसे ही बड़े बड़े धर्म की बात कह रहा है अर्जुन भी, वर्ण शंकर लुप्त पिंडोदक क्रिया स्त्री सु दुष्टासु, अरे कृष्ण तुम नहीं देखते हो महाभारत हो जाएगा तो स्त्रियां बिगड़ जाएंगी, वर्ण शंकरता आ जाएगी, वर्ण शंकरता आएगी तो लुप्त पिंडोदक क्रिया श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। भगवान को हंसी आ गई, ये बड़े 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 धर्म की बात कर रहा है, जानता कुछ नहीं है। और देखिए धर्म वेत्ता के आगे कहते हैं नानी के आगे ननियाल की बात करो, तो भगवान के आगे धर्म वेत्ता है और वही धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं और उनसे बड़े बड़े धर्म की बात कर रहा है। तब भगवान को कहना पड़ा कि सर्व धर्माने परित्यज्य मामे कम शरणम ब्रज, क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तू जो बात कर रहा है वो कौन से धर्म के कर रहा है? अपराविद्या। धर्म दो तरह के होते हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तो वैदिक धर्म का जो विवेचन है वो अपराविद्या में आता है। अपराविद्या यानी कि इस लोक से संबंधित तुम्हारी कोई घर की समस्या है, कले कले से, तो वो हमारे अपराविद्या में आएगा। और पराविद्या में हमारे भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी चीज आएंगी, अलौकिक विद्या। तो यहां पर भगवान ने कहा कि पराविद्या अपराविद्या से तुझे पराविद्या में आना है, और एक समय ऐसा आएगा जैसे हम लोगों के पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम क्या करते हैं,
एक कांटा लेते हैं और उस कांटे को निकाल देते हैं, तो जिससे निकालते हैं तो क्या उसे थैले में रख लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अरे भैया तुम बड़े वो हो, अभी तो इससे कांटा निकाला उसी को फेंक दिया। उन्होंने कहा ये भी तो कांटा ही है। ऐसे ही अपरा विद्या भी और परा विद्या भी। तो उन्होंने कहा आप परा विद्या अपरा विद्या दोनों को छोड़ दो और मन मना भव अर्जुन नेत्र गुण, तो तीनों गुणों से छलांग लगा करके तू मेरे मन वाला हो जा, और जब मैंने मन वाला हो जाएगा तो निश्चित जानिए कि तुझे फिर ये धर्म की व्यथाओं में तू नहीं लगेगा, इसलिए तू इन सबसे मुक्त हो जा, और जब सबसे मुक्त होगा तभी तू मेरे पास आ पाएगा। तो मन मना भव, तू मन मुझे दे दे, और जब मन मुझे दे देगा तभी तेरा कल्याण हो पाएगा। तो यहाँ पर गीता का जो उद्देश्य है वो नैस्त्रिगुण यानी कि अपरा विद्या में हमें उलझना नहीं है, अपरा विद्या यानी कि कामनाओं को पूर्ति करने में, और परा विद्या उसका भी सत्कर्म यानी कि हमें कहीं ना कहीं अच्छे फल की प्राप्ति होगी। लेकिन जब हम तीनों गुणों से अतीत चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही संदेश दिया है नैस्त्रिगुण भवा अर्जुन, तो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर, तो क्या करूं मन मना भव, तू मेरे मन वाला हो जा, तू मुझे समर्पित कर दे, फिर तुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। तो वही भाव हम लोगों को लाना है कि परा और अपरा विद्या से छलांग लगा करके गीता का जो उद्देश्य है कि सर्व धर्माने परित्यज्य, वो उस धर्म की बात कही थी जो प्रासंगिक नहीं है और जिससे जनता जनार्दन करा रही थी, उस धर्म का भगवान ने मना किया। बहुत सारे लोग इस पे आक्षेप करते हैं कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर उन्होंने कहा सर्व धर्माने परित्यज्य, तो जो धर्म प्रचलित था और वो उपयोगी नहीं था जनमानस के लिए, इसीलिए उन्होंने उसको त्यागने के लिए और अपने परा अपरा विद्या से भी परे जाने के लिए उच्च कोटि पर, जिससे जीव उनकी गोलोक धाम में उनकी अहर्निश महारास का एक अभिन्न अंग बन जाता है, उसकी ओर भगवान ने प्रेरणा दी। तो चलते हैं हम लोग भी उन्हीं के भाव में निमग्न होने के लिए। तो आज से गीता का प्रारंभ होगा, सभी लोग गीता का खोल लें, प्रथम अध्याय जो लोग पढ़ सकते हो साथ में पढ़ें। धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरु क्षेत्रे समो वेतायो यो सब माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच ये प्रथम श्लोक से थोड़ी सी भूमिका जान लें कि महाभारत कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि जहाँ अपंग व्यक्ति को अगर कहीं अंग भंग है तो राज्य का अधिकार नहीं दिया जाता था, और उस राज्य अधिकार के आधार पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि धृतराष्ट्र को राज्य देना पड़ा। हुआ ऐसा कि शांतनु की पत्नी सत्यवती और सत्यवती के पुत्र, दो पुत्र हुए विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद बड़े थे, उनको राज्य दिया गया और चित्रांगद की असमय में ही मृत्यु हो गई, तो विचित्रवीर को दिया गया। विचित्रवीर की दो पत्नियां थी अंबिका और अम्बालिका, लेकिन कुछ ऐसा विधि का विधान हुआ कि विचित्र वीर भी असमय में उनकी मृत्यु हो गई, निसंतान ही रह गए। सत्यवती माँ को एक ऐसी चिंता सी व्यापना लगी कि ये वंश परंपरा, वंश संवर्धन कैसे होगा, परंपरा का निर्वहन कैसे होगा। इस चिंता के तहत भीष्म पितामह से भी विचार विमर्श किया। शांतनु के सबसे बड़े पुत्र भीष्म पितामह थे जो गंगा पुत्र थे, दो नामक वसु थे। जब सत्यवती ने चिंता व्यक्त की तो दोनों ने सलाह की कि क्यों ना पाराशर से उत्पन्न जो वेदव्यास जी हैं, सत्यवती के ही पूर्व पति से या पाराशर जी से उत्पन्न हुए थे, तो व्यास जी का आह्वान किया जाए, उनको बुलाया जाए, उस
वंश संवर्धन हेतु उनसे अनुनय विनय किया जाए, तब ये वंश आगे बढ़ पाएगा। आग्रह करने पर वेद व्यास जी आते हैं और अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और जो दासी है उससे विदुर, तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पांडु को राज्य दिया गया लेकिन बीमारी ग्रस्त होने के कारण उनकी भी जल्दी मृत्यु हो गई। तो तब तक ये हुआ कि जो धृतराष्ट्र है उनको राज दिया जाए, लेकिन तब तक राज्य दिया जाए जब तक उनके पुत्र बड़े नहीं हो जाते। बड़े होने तक उनको धृत यानी कि धारण करा दिया गया या राष्ट्र, कि जब तक आप रखिए, जब तक युधिष्ठिर यानी कि उनके जो पांचों पुत्र हैं बड़े नहीं हो जाए तब तक आप करिएगा, और जब बड़े हो जाएंगे तो आप उनको दे दीजिएगा। भीष्म पितामह ने यही कहा, लेकिन लोभ लालच बहुत बुरी चीज होती है। जब वो राष्ट्र में बैठ गए, राज्य करने लगे, तो उनको लालच आ गया, और लालच आ गया तो उनको लगा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाऊं, दुर्योधन को ही बनाऊं। तो 100 पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। दुर्योधन को बनाने के लिए सब कहने लगे नहीं, युधिष्ठिर बड़े हैं। जनता जनार्दन की मांग थी युधिष्ठिर के लिए, क्योंकि वो धर्म के ज्ञाता थे, और दुर्योधन थोड़े कलि के अवतार होने की वजह से दुष्ट प्रवृत्ति का था। लेकिन कहते हैं ना, दुष्टों का जमघट बड़ा मजबूत होता है। सत्यवादी लोग विचारों में मेल नहीं खाएंगे, लेकिन जो चोर डकैत होते हैं उनका यूनिटी बहुत मजबूत होती है। तो आज भी कलि काल में दुष्ट लोगों की बड़ी मजबूत पकड़ होती है, तो कोई एक दूसरे के पोल नहीं खोलता है। लेकिन जो सच्चे होंगे तो तुरंत एक दूसरे से कह देंगे, वो उनसे विचारों का मेल नहीं खाएगा। तो यहाँ पर दुर्योधन ने ऐसी संरचना रची कि उसके साथ के जो मित्रगण थे सबने ये अफवाह फैला दी कि दरअसल ये दुर्योधन जो है अपने माँ के गर्भ में 1.5-2 वर्ष पहले ही आ गया था। अब पूछिए, पहले गर्भ में आने का कौन जानता है? लेकिन उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि वो पहले आ गया था माँ के गर्भ में, गांधारी के पेट में, इसलिए वो बड़ा हुआ। बाद में पैदा हुआ है तो इससे क्या हुआ? लेकिन ये दुष्प्रचार इस तरह से कर दिया। तो उस दुष्प्रचार के तहत सोचने लगे कि उसको मिल जाए, लेकिन भीष्म पितामह कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके जो आचरण था वो अच्छा नहीं था। उस आचरण के तहत बहुत उन्होंने प्रयास किया कि भाई उनको दे दिया जाए। जब दोनों को बराबर और द्वंद होने लगा तो ये हुआ कि भाई दोनों को आधा आधा बांट दिया जाए, आधा दुर्योधन को उसमें दे दिया जाए और आधा पांडवों को दे दिया जाए। अब जब आधा राज्य दे दिया तो उसमें भी दुर्योधन रोज के रोज कुछ रणनीति शकुनी मामा के साथ ऐसे सोचने लगे कि इनसे भी आधा भी कैसे छीन लिया जाए, क्योंकि पूरा मेरे पिताजी कर रहे थे तो मेरा हक ज्यादा है, इन्हें तो फालतू में मिल गया। तो उस विचार में उसने फिर ये जुआ खेलने की जो षड्यंत्र करता है, और उस षड्यंत्र के तहत उनको बुलाया और उसमें उनको परास्त किया। परास्त करके, और परास्त भी किया छल कपट के द्वारा, उस तरह से दूत कीड़ा में छल और प्रपंच शकुनी ने इस तरह से किया कि वही योजना बना करके कि इनको कैसे परास्त किया जाए, कैसे धराशायी किया जाए। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। तो उनके जो थोड़ी थोड़ी जो उसकी गलत जो आचरण थे, धृतराष्ट्र कभी उसको मना नहीं करते थे। वो जो कहता था, जैसे जुए के लिए आमंत्रित किया, मना कर सकते थे, समझा सकते थे कि नहीं, कर परिवार में ऐसा उचित नहीं है, लेकिन वो पिता अपनी भूमिका नहीं निभा सके और उसी का उनको परिणाम झेलना पड़ा कि पूरा पूरा उनका वंश नाश हो गया। सबके सब 100 के 100 मारे गए और 5 के 5 बने रहे। तो ये उनके पिता के जो संस्कार हैं, कभी कभी होता है कि लाड़ दुलार में हम अपने बच्चों को हाँ में हाँ मिला देते हैं। ज्वाइंट फैमिली में अक्सर ऐसा होता है संयुक्त परिवारों में कि दूसरे को परास्त करने के लिए अपने बच्चों को बढ़ावा दे देते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़े होकर जब हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो सारी चीजें फिर हमारा बुढ़ापा बिगड़ता है, क्योंकि हमने संस्कार ऐसे दिए। उन संस्कारों का, क्योंकि फॉर्मूला तो उसको मालूम है, आज वो दूसरों पे अप्लाई कर रहा है, कल वो हमारे ऊपर भी कर सकता है। ऐसे ही हमारे कुल और वंश का नाश होता है। यही यहाँ महाभारत के उससे पता लगा। एक बार धृतराष्ट्र ने अपने बच्चे की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वार्णावत में उनको भेजा कि युधिष्ठिर तुम शिक्षा दीक्षा लेकर के निपुण हो चुके हो, मैं चाह रहा हूँ कि वार्णावत में तुम हो। उन्होंने 5 राज्य मांगे थे कि वार्णावत, माकंदी और ये हमें दे दिया जाए, या कोई भी और गांव हमें दे दिया जाए, लेकिन
अभिस्थल तो और कोई पांचवा दे दो, लेकिन उस पर भी तैयार नहीं थे कि पांच गांव कैसे दे दे। तो उन्होंने कहा वारणा मत हो आओ और तुम मतलब घूम फिर आओ। कुंती के साथ में ये लोग गए, उसमें लाक्षाग्रह बनाया और ऐसा मतलब उन्होंने तैयार किया कि इसमें आग लगा देंगे तो ये मर ही जाएंगे। इसमें दुर्योधन की तो जो थी पिता का पूरा सहयोग था धृतराष्ट्र का, और धृतराष्ट्र ने ही कह करके भेजा था। जब पिता पुत्र को कॉपरेट करता है गलत कामों में तो वो पुत्र तो दुराचारी हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को दोष देते हैं कि ये गलत कर रहा है, गलत कराने वाले हम ही होते हैं किसी ना किसी तरह से, तो हमें बचपन से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए। और यह संस्कार बुरे होने के कारण ही पूरे वंश का कैसे संहार होता है, नरसंहार हो गया, ये यहाँ पर दिखाया गया। तो वारणावत में जब ये लाक्षाग्रह में ऐसी इनकी योजना बनी तो विदुर जो नीति कुशल थे, वो मंत्री थे दुर्योधन के, उनके धृतराष्ट्र के, विदुर को पता थी कि वहां पर ये इस तरह से इनकी गुप्त मंत्रणा बन चुकी है, आग लगाई जा सकती है। तो उन्होंने किसी तरह से जाकर के पहले से ही सुरंग खुदवा के और अंदर ही अंदर एक गुफा बनवा दी जिससे ये लोग निकल जाएं। जब वो वहां गए, आग लगा दी गई और वो वहां पहले से ही इशारा करने पर कुंती सहित पांचों भाई चले गए। और इत्तेफाक ईश्वर का विधान कुछ ऐसा कि एक बुढ़िया कहीं से आ रही थी और पांच पुत्र थे, वो वहां जाके रात में, बारिश हो रही थी, रात में रुक गए। और जब आग लगी तो बाद में उन्हें अस्थि पंजर मिले कि पांच बेटे होंगे और ये कुंती होगी। बुढ़िया को कुंती समझा और पांच पुत्रों को पांच पांडव समझा, तो इनको आश्वासन हो गया कि कुंती सहित तो पांचों पांडव समाप्त हो गए। और ये निकल करके एकाग्र नगरी में वहां पर एक गरीब ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे, ब्राह्मण बन करके, और वही अचला और वो पहन करके करने लगे। फिर ये द्रौपदी के यहाँ स्वयंवर में पहुंचते हैं। वहां जाकर के ये फिर जब द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लाते हैं तब वो शंका करते हैं कि हो सकता है ये अर्जुन हो और इसने इस तरह से किया। तब ये बात खुलती है और फिर उनको फिर धृतराष्ट्र बुलाते हैं अपने राज्य में कि बेटा विवाह हो गया तो तुम यहाँ पर राज्य में रहो। और इस तरह से तो पूरा पूरा इतना षड्यंत्र करना, भीम को जहर दे के, जहर का लड्डू खिला के मारने की कोशिश करना, कभी उसे पानी में डुबो देना, जैसे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं तो खेल खेल में उसको धक्का दे जाना, अनेक अनेक तरह के मतलब उपक्रम करते रहे। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, यहाँ तो भगवान साक्षात उनके साथ में थे तो उनका कौन पतन कर सकता था। लेकिन हाँ, कष्ट जरूर आते हैं, लेकिन कृष्ण जिनके साथ होते हैं उनका पराभव कभी नहीं होता, अंत में विजय होती है। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है। तो यही सोच करके भगवान उनको बचाते रहे जगह जगह से, लेकिन वो दुराचारी अपने कार्य हमेशा करता रहा और करने के साथ साथ इतना अधिक उसने तांडव कर दिया कि वो धीरे धीरे वो मतलब ये हो गया कि किसी भी तरह से इनको पांच गांव क्या एक सुई की नोक के बराबर भी मैं नहीं दे सकता, चाहे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, वो नरसंहार करने को तैयार। और उस तैयार में महर्षि वेदव्यास जी ने भी बहुत समझाया, सभी लोगों ने समझाया कि बेटा बड़ा नरसंहार होगा, दुर्योधन को समझाना, लेकिन फिर धृतराष्ट्र को भी समझाया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अरे बेटा है, जवान बेटा है, कहना मानता नहीं, मैं खुद उसके वश में हूँ, मैं क्या करूँ। अब इतनी उन्होंने लाचारी दिखा दी तो वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम नरसंहार देखना ही चाह रहे हो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे दूं, वैसे तो प्रज्ञा चक्षु नहीं है, तुम अंधे हो जन्मांध, तो मैं तुम्हें दृष्टि दे दूं जिससे तुम मतलब देख सको। धृतराष्ट्र बोले कि जब मैंने अभी तक अपने कुल को नहीं देखा, मैं तो शुरू से ही अंधा हूँ, जन्मांध हूँ, तो मुझे ऐसे टाइम पे अपने मरते हुए पुत्रों को क्यों दिखाना चाह रहे हो, मैं देखना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं वहां के हालचाल तो जानना चाहूंगा कि क्या घटना घटित हो रही है, कैसे हो रहा, किसने किसको मारा, कौन मरा, कौन जीता, ये थोड़ा सा मेरे अंदर जिज्ञासा रहेगी। तो इसके लिए तुम कुछ ऐसा प्रबंध कर दो कि मुझे वहां के हालचाल मिलते रहे। तो वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। संजय गल्वगण के सूत के पुत्र थे, वो उनके मंत्री भी थे, धर्मात्मा आदमी थे और भगवान कृष्ण के भी भक्त थे। तो संजय धृतराष्ट्र के मंत्री होने के नाते संजय को दिव्य दृष्टि दी, और वो दिव्य दृष्टि ऐसे दी जिसपे बहुत सारे लोग लालचन करते हैं। तो यहाँ पर विवेचन किया गया है कि विदुर ने वो वेदव्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी वो ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि मन में भी अगर कोई बात आ रही होगी
कृष्ण भगवान या अर्जुन या कोई भी कोई बात सोच भी रहा होगा तो भी उनको ज्ञान हो जाएगा। परोक्ष अपरोक्ष यानी कि रात में दिन में पीछे आगे हर समय की बात उनसे अवगत होती रहेगी, उनको हर बात का सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का ज्ञान रहेगा। और महाभारत के युद्ध में ये विद्वान रहेंगे लेकिन कोई भी अस्त्र शस्त्र इनको स्पर्श नहीं कर पाएगा, वो प्यास इनको नहीं सताएगी और ये पूरे के पूरे देख आंखों देखा हाल तुमको वर्णित करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि दी और संजय वहां पर जाके उनको सब बताते रहते हैं। बताते बताते 10वें दिन जब भीष्म पितामह सरसैया पे आ गए तो वो भी भाग करके आए कि अरे अब तो बहुत अनर्थ हो गया है, जिनके दम पर पूरा युद्ध लड़ा जा रहा था और वो सरसैया पर आ गए, अब तो किसी के भी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वो दौड़ करके आते हैं धृतराष्ट्र के पास में और जब वो लौट कर आ ही जाते हैं तो धृतराष्ट्र पूरी शुरू से फिर सब बात बताते पूछते हैं कि अब ये बताओ शुरुआत कैसे हुई, होता है ना, अब शुरू से बताओ कैसे हुआ, कौन कहाँ खड़ा हुआ था, कैसे खड़ा हुआ, किसने शुरुआत की, कैसे कैसे हुआ, वो सब फिर एक एक चीज पूछते हैं जिससे कि उनका गम भी कुछ कम हो जाए, शांत हो जाता है। एकदम हड़बड़ा गए कि भीष्म पितामह वो जमीन पे आ गए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जब संजय फिर उनको धीरे धीरे सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे सारा उपक्रम हुआ, युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ, कौन कौन सेनापति थे, क्या क्या थे, सारा विस्तार से उनको बताते हैं और उसी के संदर्भ में ये पूरी गीता शुरू होती है। यहाँ पर पहला शब्द है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन है? जन्मांध। गीता की शुरुआत किससे हो रही है? एक अंधे व्यक्ति से। हंसो नहीं, अंधे हम सभी लोग हैं, उनकी तो आंखें बंद थी, हम आंख खोल के अंधे हैं। किसमें? मोह ममता में। हम भी अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, कोई बात नहीं, फलानी आंटी ताई ऐसे कह रही है, चाची ये कह रही है, चलो तुम कर लो जो करना है, हमारा बच्चा सबसे आगे रहे, ये इनके इन प्रकारण धर्म से या अधर्म से। तो वही यहाँ पर शुरुआत एक अंधे व्यक्ति के द्वारा गीता की शुरुआत हो रही है। तो एक तो जन्मांध धृतराष्ट्र और मोहांध, और दूसरे तरह के होते हैं जिनकी आंख खुली होती हैं जैसे कि अर्जुन, लेकिन वो भी मोहांध है, आंख तो खुली है अर्जुन की। तो यहाँ पर अर्जुन और धृतराष्ट्र, तो अर्जुन आंख खुले हुए अंधा है, वो आंख बंद करे हुए अंधे हैं, लेकिन अंधे दोनों ही तरह के दोनों ही लोग हैं। तो धृतराष्ट्र से जब शुरुआत हो रही है तो समझ लीजिए कि वो किस स्तर का बात पूछेगा और किस तरह से मोहांध है, और हर कथन के पीछे उसका अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि विजय हो तो मेरे पुत्र हो, सर्वस्य जो भी मिले, सारा राज्य अधिकार या जो भी कुछ मिले मेरे पुत्रों को मिले, ये भाव लेकर के वो सुनने की जिज्ञासा करता है कि आखिर मेरे 100 100 पुत्र और इनकी 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, और 7 अक्षौहिणी सेना में वो जीत तो नहीं सकते, जीतेंगे मेरे पुत्र ही। तो धृतराष्ट्र को पूरा उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, लेकिन वो जानते हैं कि जहाँ कृष्ण है वहां हार तो संभव है ही नहीं, वहां तो जीत निश्चित ही है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहने का तात्पर्य ये भी है कि ये जो है धर्म युद्ध था एक तरह से, और जो धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध कहने का मतलब धर्म की तो बात है ही, क्योंकि यहाँ बात न्याय की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कोई स्वार्थ की बात नहीं हो रही, कि क्योंकि पांडवों ने अपना जायज हिस्सा मांगा था और उसमें भी कहा कि 4 गांव और पांचवा कोई भी 5 गांव दे दीजिए, भाई 5 पांडव है तो एक एक तो चाहिए, तो कम से, और उसने कहा एक सुई के बराबर नहीं देंगे। तो न्याय अन्याय की बात है, धर्म अधर्म की बात है, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए उसमें धर्म क्षेत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और क्षेत्र कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पांडव हैं, एक प्रकार से भगवान ने ये मान के चलना कि ये वो धान है, जैसे धान में पानी लगाया जाता है, काफी पानी लगता है, लेकिन इस
पांडवों के साथ साथ दुर्योधन 100 भाई जो है ऐसे श्यामा घास है जो पानी सोख लेती है, और जब सारा पानी वो सोख लेगी तो धान कभी भी पनप नहीं पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्षेत्र यानी कि खेत का अर्थ लगाया गया है। और कुरुक्षेत्र, कुरु एक स्थान है और वो कुरुक्षेत्र कभी कहा जाता है, भागवत के 9वें स्कंद में आया है कि राजा कुरु राज्य करते थे, इसीलिए इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। यहाँ पर जावालोक उपनिषद में भी और महाभारत के शल्य पर्व में भी इसका विवरण आता है कि राजा कुरु ने अनेक अनेक यहाँ पर यज्ञ किए, हल चलाते रहे और जोतते रहे। इंद्र ने आके पूछा कि भाई इसे फालतू में तुम क्यों जोतने में लगे हुए हो। कुरु राजा ने कहा कि मैं इसलिए जोतने में लगा हूं कि यहाँ पर इस भूमि पर जो भी मरेगा वो स्वर्ग लोक को जाएगा। काफी विघ्न पहुंचाया, आपको पता होना चाहिए देवता लोग शुभ कार्य में विघ्न पहुंचाते हैं। आप लोग यहाँ तक नहीं आ पाते तो देवता कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब हम भगवान को याद करते हैं तभी यहाँ तक आ पाते हैं। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो कुरु राजा कुरु का जो प्रयास था, इंद्र व्यवधान करते रहे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब देखा कि ये इतने दृढ़ निश्चयी हैं, अपने काम के प्रति इतने सुदृढ़ हैं, मानेंगे नहीं, तब उन्होंने सोचा कि अब इनको वरदान देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इस स्थान पर जो भी जीव मृत्यु को प्राप्त होगा वो स्वर्ग को ही प्राप्त होगा, जिसकी भी मृत्यु होगी। एक कहा जाता है कि इसी जगह पर परशुराम जी ने यज्ञ किए और क्षत्रियों का संहार भी किया था। इसको समंतक पंचक भी कहा जाता है। एक बार उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा था अमिताभ ने कि समंतक पंचक कहाँ हैं। तो ये वहां पर अरंतुक, तुरंतक, रामहद, मच्चुक्र ऐसे करके 4 क्षेत्र हैं, उनके बीच के एरिया को समंतक पंचक कहा जाता है। द्रक्षवती और सरस्वती नदी के बीच का एक भूभाग है जहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर भी बना है, जहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। तो ये ऐसी भूमि है। कहने का तात्पर्य है कि कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया कि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर इतने अधिक यज्ञ किए गए हैं, तो उस यज्ञ के द्वारा यहाँ जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र को चुना गया। समवेता युजुत्सवा मामका। अब यहाँ पर मामिका शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, यहीं से पक्षपात द्योतित होता है। जब एक वंश था तो यहाँ पर धृतराष्ट्र मामिका शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं कि भाई पांडव भी तो इन्हीं के वंश के थे ना, कोई अलग तो वंश था नहीं। लेकिन यहाँ पर घबराहट में, उतावलेपन में, क्या मेरे बच्चों ने क्या कहा, अरे भाई वो भी तो तुम्ही ने पाले थे। जब पांडु देहावसान को प्राप्त हुए तो उनका लालन पालन तुमने किया अपने बच्चों की तरह से। अब तुम्हारे अंदर ये स्वार्थ आ गया कि मामका मेरे, वो तुम्हारे हो गए तो वो किसके, वो क्या अनाथ हैं।